स्टार न्यूज की टॉप 10 सुपर फास्ट खबरों में आज आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कालियाचाक में एक सरकारी अधिकारी को पीटने का आरोप लगा है। आरोप का तीर जमीनी स्तर पर है, शिकायत का तीर तृणमूल की तरफ है। डीजी वीरेंद्र आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी के तौर पर 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज मालवीय को पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। पहले डीजीपी पद के लिए महिला आईपीएस सुमन साहू के नाम की चर्चा चल रही थी। आसनसोल ODFND में कोरोना वैक्सीन के लिए आधी रात को लंबी लाइन लगाई गई। घटना आसनसोल नगर पालिका अंतर्गत कुलती थाने क्षेत्र में संकोटोरिया ट्रैप के सामने स्वास्थ्य केंद्र में हुई। गई स्थानीय लोगों को कल रात से ही वैक्सीन के लिए कतार में देखा गया था। उन्हें दिन के अंत में कुछ समय के लिए लाइन में अपना भाषण सुनना होगा, टीका उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए वैक्सीन उपलब्ध होने पर रात में कतार में लगाना पड़ेगा। KMC की तरफ से रॉक्सी हॉल में आधार सेंटर खोला गया है। आज यहां देखा गया कि हॉल के बाहर अफरा तफरी मची है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को माइकिंग करनी पड़ रही है। सोमवार को विष्णुपुर के बीजेपी विधायक तन्मय घोष के तृणमूल कांग्रेस होने के बाद अब बीजेपी के और विधायकों के TMC में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। इनमें बीजेपी के बागदा के विधायक विश्वजीत दास आज तृणमूल में शामिल हो गए हैं। सेनेटर होटल में मंत्री पार्थ चटर्जी की उपस्थिति में बीजेपी विधायक TMC में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से पत्नी और बेटी के हाथों पति निर्ममता पूर्वक पीड़ित होने का मामला सामने आया है। घटना सोनारपुर के बादम तल्ला की है। बताया गया कि बेड़ियों से बांधकर महिला अपनी बेटियों के साथ पति को बेरहमी से पीटती रही। बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाई दौरे के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लिया है। 10 सीटों वाले इस विमान का मासिक किराया करीब 2.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दिल्ली के एक संस्था से फॉल्कन 2000 नामक इस विमान को 3 साल के करार के तहत किराए पर लिया गया है। दक्षिण 24 परगना के जयनगर में बड़ी कंपनियों का स्टिकर और लेबल बनाने के कारखाने का पता लगा है। सूचना पाकर जयनगर रेल स्टेशन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस में छापामारी की। प्रिंटिंग प्रेस के 2 युवक सौभिक हल्दर और राजेश हल्दर को गिरफ्तार भी किया गया। पश्चिम बंगाल कोलकाता के बड़ा बाजार एरिया में कस्टम ने सूचना पाकर एक व्यक्ति के पास से 5 पीस सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। इनका वजन कम से कम 580 ग्राम बताया गया है। पश्चिम बंगाल में प्राइवेट बैंक में नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुकुमार महंती की तौर पर की गई है।